बालाघाट जिले के पारसवाड़ा क्षेत्र के लाडले विधायक रामकिशोर कावरे ने ग्राम पंचायत क्षेत्र का औचक निरीक्षण किया है। कावरे ने बताया कि ग्राम पंचायतों से समस्याएं सामने आ रही थी, जिसके बाद में यह निरीक्षण किया गया है। अगर देखा जाए तो ग्राम ठेमा व अन्य ग्रामों में पहुंचकर उन्होंने कमियों को जाना है, तो वहीं क्वारंटाइन सेंटर में बारे में भी उन्होंने जानकारी हासिल की है। राशन दुकानों में सही तरीके से राशन मिल रहा है, यानी निःशुल्क खाद्यान्न का वितरण हो रहा है कि नहीं। गेहूं खरीदी केंद्र का भी उन्होंने औचक निरीक्षण किया है। तो वहीं उन्होंने कहा है कि किसी भी ज़रूरतमंद को अगर ज़रूरत होती है तो उसका पूरा ख्याल रखा जाएगा। वहीं उन्होंने सभी जिम्मेदार अधिकारियों से भी चर्चा की है। संकट काल के समय में सभी को एक साथ मिलकर काम करना है, ऐसी भावना भी जाहिर की गई है। रामकिशोर कावरे आज विधानसभा परसवाड़ा के कुछ ग्राम पंचायतों में अचानक व्यवस्था को देखने के लिए आया था। अलग अलग ग्राम पंचायतों की तरफ से मुझे फोन आ रहे थे कि हमारे पास में अनाज की कमी है। हमारे को ये जानकारी भी मिली थी कि हमारे सेवा सहकारी सोसाइटियों से जहाँ से खाद्यान्न वितरण होता है वहाँ पूर्ण रूप से हमें खाद्यान्न प्राप्त नहीं हो पा रहा है। तो आज ऐसे ही मैं एक हमारा खाद्यान्न केंद्र है सोसाइटी खेमा वहाँ पर आया था और मेरे साथ में हमारे जनपद के सीईओ तहसीलदार, हमारा पुलिस विभाग के अधिकारी, ऐसे हम लोग फील्ड अधिकारी सामूहिक रूप से उस खेमा सोसाइटी का निरीक्षण भी किया। वहाँ कितना आवंटन हमारे बीपीएल वालों के लिए आया था, 3 महीने का राशन कितना बटा के नहीं गरीबों को मिला के नहीं, उसकी चिंता मुख्य प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के माध्यम से 2 महीने का मिलना था अनाज, उसको चेक किया और निःशुल्क अनाज मिलने वाला 1 महीने से हमारे मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से 1 महीने जो ऐसे परिवार हैं जो दोनों योजना में नहीं फंसते उस परिवार को हमारे को 1 महीने का अनाज देना था, उसको भी हमने तीनों योजना को हमने पृथक पृथक से देखा और जो कमी थी हमने वहाँ पर निर्देश दिया कि उस कमी को देख करके अतिशीघ्र हमारे उन परिवारों को राशन पहुँचाने का काम करें। दूसरी चीज़, मैं अमोहाई ग्राम पंचायत में एक आंगनवाड़ी केंद्र में गया, एक आंगनवाड़ी केंद्र हमारे खेमा में गया, हमारा कोर्जा सोसाइटी, फिर हमने दोबारा कोर्जा सोसाइटी गया और हमारे यहाँ पे अभी गेहूँ का उपार्जन हो रहा है। तो गेहूँ के उपार्जन केंद्र हमारा बघोली, उसको देखा कि क्या कमी है वहाँ पे। आज बारदाने की कमी थी, मैंने तत्काल हमारे डीएमओ को बोलकर वहाँ पर शाम तक के बारदाने की व्यवस्था करने का निर्देश दिया ताकि हमारे किसानों को खरीदी में कोई परेशानी ना आए। ऐसे तमाम इस परसवाड़ा विधानसभा क्षेत्र के आज दर्जनों ग्राम पंचायतों में मैंने जाने का काम किया है और जहाँ जहाँ क्वारंटाइन सेंटर है उनकी भी जानकारी अपडेट करते हुए, जहाँ पर कोई कमी है, मुझे जैसे खलौंडी की जानकारी आई कि वहाँ कोई दिक्कत है, मुझे एक और पंचायतों की जानकारी, ऐसे कुछ पंचायतों की जानकारी आई है तो मैंने मुख्य कार्यपालन अधिकारी को निर्देश दे दिया है कि सारी जगह हमारे ग्राम पंचायत के सरपंच सहयोग करें, हमारे सचिव वहाँ पर सहयोग करें, हमारे जीआरएस सहयोग करें, हमारे सारे अधिकारी कर्मचारी जो काम कर रहे हैं उन सब लोग एक दूसरे को सपोर्ट करके सहयोग करके, क्योंकि ये